वेलकम करते हैं हमारी 2024 अच्छी लगी। हैप्पी बर्थडे यार, गिफ्ट लाइए या? नहीं, फरवरी आ रही है 24। हर साल 24 फरवरी नहीं आती, 24 फरवरी 93 में रोमी आई थी आपकी लाइफ। हाँ, उससे पहले जो जो आई थी उसे भूल जाओ। जयमाला लेके खड़े थे घड़ी पे, रोमी मैं आ गया शादी कर ले। वेलकम बैक टू द चैनल। गिफ्ट से तसल्ली नहीं होती, चुप रहा है। गिफ्ट से तसल्ली नहीं, गिफ्ट की बात नहीं होती, जेस्चर होता है। ये बाल उड़ गए तुम्हारे? बाल पहले उड़े हुए थे। आपको थोड़ी अक्कल सिखा। मैं कुछ आगे फ्लो फ्लो में बोल देता हूँ। नहीं, ब्रेकफास्ट तो दे रही थी यार। नहीं, इस बार आपको क्या चाहिए एनिवर्सरी पे? आई वांट सरप्राइज फ्रॉम हिम, नॉट फ्रॉम यू। जब बंदा सीधा सीधा पूछता है क्या चाहिए। तूने तो कहीं दे दिए सरप्राइज। सुनो, अगर मैं गायब हो गया तो वो सरप्राइज नहीं होगा। चल जाओ, चलो गायब ही हो जाओ। मारा बम पे लाग। देन अगर आप नया दौड़ लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, हमारे पेज पे लात मत मारो। तो इस बार गोवा की स्टोरी तो सुनाई, गोवा की स्टोरी सुना दे। ब्लॉग पे सुनाने लायक नहीं है। बेटी बड़ी हो गई है, ब्लॉग पे सुनाने लायक नहीं है गोवा की स्टोरी। मतलब कुछ नहीं, कम्प्लीट हो रही हूँ मेरी मीटिंग है इसकी, लेट हो रही है। बिजनेस वुमन, ठीक है, दूर जाना है। आपकी गोवा की कहानी, खुद कभी कुछ करा नहीं, दूसरों को तो जीने दो। जी तो रहे हो, पर ऐसा क्या करें मम्मी? सोचो, आइडिया दे दे इनको। पूरा दिन ना ऐसे सोचने में निकल जाएगा, थोड़ा सा टाइम ही नहीं है सोचने का। मैं तो फनी हो रही थी ब्लॉग के लिए, खुद ही फंस। क्या बताऊं, क्या किया, खाना खाया। ये तो हमें पता है, इस गोवा का खाना खत्म हो चुका है, अब एक हफ्ते तक रीस्टॉक हो जाए। की हाल है सोनियो, विंटर्स जॉन वाली है, हम आपके लिए लाए हैं हुडीज। फ्राइडे नाइट नु पार्टी वास्ते चाहिए ते ब्लैक हुडी मिल जूगी। स्पेशल कार दी डिलीवरी हैगी है, ए व्हाइट वाली हुडी मिल जूगी। फ्रेंड्स दे फैमिली ना घर में गालियां पड़ती है कि कुछ काम कर ले और बड़ा इरेगुलर है, ए वाली हुडी भी मिल जूगी। ते जे तुहाडा फेवरेट कलर ब्लू हैगा तो तुसी आ वाली हुडी भी वेख सकदे हो। इस पे लिखा अनसब्सक्राइब। अपना बर्थडे आ रहा है तो भाई हमने सोचा था कुछ ना कुछ लॉन्च करेंगे, और आप लोगों की इतनी डिमांड थी भैया ऐसी हुडीज हमें भी चाहिए। ये वाली स्वेटशर्ट है, ये भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। तो सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एंड भाई हमने ब्रांड का नाम रखा है सब्सक्राइब। तो इसमें खाली हम अपनी हुडीज नहीं डालने वाले, बहुत सारी चीजें होने वाली है। स्टार्टिंग है बस अभी, तो ये बर्थडे ही मुझे लगा सबसे अच्छा दिन है गाड़ी की डिलीवरी लेने का, घर की डिलीवरी लेने का, और अपना नया ब्रांड शुरू करने का। तो अगर सपोर्ट करने का मन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। द्वितीया मैंने शर्त लगाई, मैं उसको कह रहा हूँ कि 5 दिन में सोल्ड आउट हो जाएगी, वो कह रही है 3 दिन में सोल्ड आउट हो जाएगी। तो लेट्स सी, अब आप लोगों के हाथ में है। तो ये जो हमने कलेक्शन लॉन्च करी है, ये है इन कोलैबोरेशन विद ग्रिफिल। तो उनकी वेबसाइट नीचे लिंक्ड है, तो वहां से आप ये वाली कलेक्शन चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारे डिजाइन है जो आप चेकआउट कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे। करंट 20 कूपन कोड यूज करना है आपको एडिशनल डिस्काउंट के लिए। और जब ब्रांड का प्रमोशन करते हो ना, बड़ा अजीब लगता है, बट अपना खुद का जब कोई चीज होती है ना, दिल से निकल। एंड डिलीवरी के लिए हमने सोचा है कि हम बाइक भी लेके जाने वाले हैं, बिकॉज जो गाड़ी आ रही है ना उसके साथ भाई अपनी BMW इतनी ज्यादा जचने वाली है ना, आप लोग बोलोगे भैया प्यार हो गया हमें आपसे फिर से। तो बाइक स्टार्ट करके देख लेते हैं, बस भगवान करे स्टार्ट हो जाए। स्टेप 1, लाइट ऑन हो गई, न्यूट्रल, जय श्री राम। भाई यार ये नहीं यार, 2 साल हमने चलाई दी, बैटरी बिल्कुल डेड नहीं हुई यार, जब कल डिलीवरी पे लेके जानी तभी ये हो रहा है। एंड गाइस ये देखो रिफ्लेक्टिव, ये भी हमारी नई कलेक्शन का पार्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट। भाई पेट्रोल तो दिखा रहा है अभी व्हीकल। ओह शिट भाई, ये बैटरी की दिक्कत है, 11.4 वोल्ट दिखा रहा है। ना भगवान देता है ना उतना भगवान इतना सा वापस भी लेता है। ऐसे कुछ हुआ, हमारी प्लानिंग ये थी कि भाई हम अपनी ग्रे कलर की गाड़ी की डिलीवरी ना अपनी ग्रे कलर की बाइक में एंट्री मारेंगे, हेलमेट उतारेंगे और पर्दा हटाएंगे, बट बैटरी हो गई है फुल डिस्चार्ज। क्योंकि मैंने भी BMW वाले से बात करी, उन्होंने कहा कि सर 14 वोल्ट तो आना चाहिए बैटरी पे, तब जाके आपकी बैटरी काम लायक होती है। एंड उसमें 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो इसको जंप स्टार्ट करना पड़ेगा वापस आके, या फिर इसको धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ना है ताकि बस कल का दिन निकल जाए, नहीं तो रात को किसी जुगाड़ से नई बैटरी लगानी पड़ेगी। बिना मैं एंट्री नहीं कर सकता, मेरा मूड खराब हो जाएगा अगर मैं ये बाइक पे कल अपनी डिलीवरी नहीं ली। आपने मैंने सबने इसके लिए 2-3 साल वेट कराया। जब कोई अचीवमेंट लेते हो ना, आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस लेवल एक स्टेप ऊपर चल जाता है, एंड अच्छा लगता है ना, आप लोगों को भी फिर मोटिवेट करने का मन करता है। एंड भाई मैं बता रहा हूँ, क्लीशे डायलॉग है, बहुत लोग मारते होंगे, कोई भी सपना ना छोटा बड़ा नहीं होता। क्या मैंने ना 4-5 साल पहले एक ब्लॉग में बोला था कि ऑडी लेनी, और मेरा ना मजाक उड़ाया गया कि तुम क्या ऑडी लोगे, पहले तुम बाकी चीजें कर लो। एंड आज देख लो, मॉन्स्टर गाड़ी को वेलकम करने की तैयारी चल रही है। अभी हम लोग स्टीमर स्टैंड पहुंच गए, क्या मेरे सामने नजारा है भाई, नई वाली GLS E-Class और पीछे SVJ, और अंदर मुझे G-Wagon दिख रही है। सबके
दिमाग में एक ही सवाल है, भैया गाड़ी कब आ रही है, कौन सी आ रही है, आर यू एक्साइटेड? हां वेरी एक्साइटेड। इनको तो पता है, ये तो एक्साइटमेंट वेट कर रहा है, चलाएंगे तब शू करी आवाजें आएंगी। ये वाली गाड़ी की भी खुशी हो रही, सारे मुझे ये बोले कि सारी चीजें बैक टू बैक हो रही, भाई मैं क्या करूं, मैं स्पेस आउट भी नहीं कर सकता बिकॉज बर्थडे एनिवर्सरी ब्रांड सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये है ब्यूटी, फील इसी के भाई। हमारे सामने हमारी ब्यूटी पूरा रैप हो चुकी है। आज सुबह बीएमडब्ल्यू मैंने आपको कलर की झलक दिखा दी थी एंड वैसा ही कुछ मिलता जुलता, बट मुझे नहीं पता फॉर्च्यूनर पे कैसी लुक आएगी भाई, नेक्स्ट लेवल होने वाला है। टेकिंग डिलीवरी ऑफ 2024 ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर, ऐसी आते भाई टाइटल। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। कोई भी बंदा अगर चुटकी बजाते काम करवा सकता है, वो सनी है। अपने फेवरेट कलर मिल गया जो हमारी बाइक के साथ जाएगा और अपनी आने वाली गाड़ी के साथ एकदम जाएगा। इतनी ज्यादा क्रेजी लग रही है रैप, मुझे बाइक पे इतना नेक्स्ट लेवल लगा था, इस पे तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। पहले मैंने सोचा था स्कॉर्पियो की तरह इसको फुल ब्लैकआउट कराऊंगा, बट मुझे चाहिए था कि सिल्वर की ना थोड़ी रिच लुक आए। हल्का सा क्रोम रखा है, ये ब्लैक है, ये पूरा ग्रे है भाई, इतना ज्यादा क्रेजी लग रहा है। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। अब हम फुली रेडी हो चुके हैं कार डिलीवरी के लिए एंड थैंक्स टू सनी एट स्टीम एंड शाइन। हमारा सारा काम भाई बहुत ही ज्यादा परफेक्शन के साथ हुआ है, क्लोजअप शॉट्स आपने देखे ही होंगे। एंड अगर आप लोगों को भी अपनी गाड़ी का कुछ भी काम करवाना है, पीपीएफ, रैप, पेंट, कस्टमाइजेशन, सब यहाँ पे हो जाएगी। मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मैं भी मिलता ही रहता हूँ अगर आप लोग आओगे। एक और चीज जो हमने रैप करी है, तो बेसिकली जो इसकी स्किड प्लेट है नीचे, ये सिल्वर होती है इसकी, सो हमने इसको सेम कलर में रैप करा है, व्हिच मेक्स द कार लुक वेरी बीफी, काफी मतलब अग्रेसिव लुक आ रही है इसकी वजह से। एक मॉन्स्टर में हम अगली मॉन्स्टर की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। मन नहीं भर रहा इसको देख के ना, असली पहाड़ तो यही गाड़ी चढ़ेगी। अभी हम लोग निकल चुके हैं, इतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है इसको चला के। अब मुझे समझ आ गया विकास ना क्यों बोलता है फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो, बिकॉज इस पे जो कॉन्फिडेंस आता है ना, नेक्स्ट लेवल। अभी घर वालों का रिएक्शन लेंगे। घर के नीचे पहुंच गए, गाड़ी क्या क्रेजी लग रही है, मैं दूर से देख रहा था, देखो इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है, ऐसा ना एकदम मॉन्स्टर ट्रक वाली फीलिंग आ रही है। अभी बस कर्नल साहब की वेट कर रहे हैं, फिर उनका रिएक्शन लेते हैं, उनको कैसी लग रही है। हमने थोड़ी सी इसकी प्लेसमेंट चेंज कर दी और लाइटें ऑन कर दी है। घर वाले आ चुके हैं, उनको दिखाते हैं। अपनी गाड़ी है? हाँ अपनी है। तूने पूरे कलर चेंज करा? हाँ पूरे कलर ही चेंज कर दिया। ऐसी लग रही है, बहुत बढ़िया। इसकी रजिस्ट्रेशन पे कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, अभी वो कराना पड़ेगा आरसी पे। ओह यार दिस इज लुकिंग सेक्सी। ओ भाई साहब ये मैं साथ ही ले आया भाई, ये मैं भूल गया ये उतरवानी। ओए होए नंबर छुप गया। अभी देखा मैंने तो, ये क्या लेके घूम रहे हो? कल बाइक और इस पे डिलीवरी लेने जाएंगे। बाइक नहीं जाएगी। मैं बाइक भी जाएगी यार, बाइक नहीं जाएगी। डैडी को पसंद आ गई, अच्छी लग रही है ना। फिर मेरे को व्हाइट का भी अच्छा ही नहीं लगा, गाड़ी ग्रे अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल, डिफेंडर टाइप्स लग रही है। नहीं नहीं हमारी फॉर्च्यूनर सेक्सी लग रही है। मम्मी कह रही डिफेंडर, पापा कह रहे नहीं नहीं ये तो अब साला ले नहीं रहा डिफेंडर। भाई मुझे बाइक स्टार्ट करके देखने, बिकॉज उसके बिना मैं कल डिलीवरी लेने नहीं जा सकता। तो भाई अब इसको हम ढलान से ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर नीचे लेके आएंगे स्टार्ट करने के लिए। चार पांच राउंड ट्राई कर लिए, एक बार स्टार्ट हुई थी उसका बिल्कुल नहीं हुई। अब मुझे थोड़ी निराशा हो रही है, कल डिलीवरी पे कैसे लेके जाएंगे यार? बाइक नहीं स्टार्ट हो रही कल डिलीवरी पे, बाइक और गाड़ी लेके जानी। वैसे तो डिलीवरी के लिए तुम इधर उधर जाते हो, और अपनी डिलीवरी के लिए तुम्हारी प्लानिंग सही नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ सच्ची में, पूरा इतने महीनों की प्रैक्टिस थी, बट वो कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। मोटरसाइकिल नहीं स्टार्ट हो रही ना, भगवान नहीं मम्मी की नजर लगी है। बहुत अच्छा हुआ, कल गाड़ी भी मैं बाइक की तरफ। कल का दिन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है, मुझे माइंड ना फटने को हो रहा है, बिकॉज कल बहुत सारी चीजें इकट्ठे हो रही है। फॉर्च्यूनर वाला व्लॉग कल सुबह लाइव जा रहा है, मेरी वेबसाइट जिसमें मैंने नई कलेक्शन का अनाउंसमेंट करा है, पूरे टाइम ना ध्यान वहीं रहेगा कि ऑर्डर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। कल गाड़ी की डिलीवरी भी है, तो सारा स्ट्रेस ना इकट्ठे हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वीडियोग्राफर आ रहा है, दादी आ रहे हैं, एक हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं पंजाब से, एंड इतना ज्यादा प्रेशर है कि आप लोग को गाड़ी पसंद आएगी या नहीं आएगी। बहुत मेहनत करी, मतलब मुझे पता है कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी, मेरे लिए वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। हुडीज है वो खरीद लेना। एंड इसमें हम एक और चीज मेंशन करना भूल गए, जब ऑर्डर्स आएंगे ना मेरे पास
और सारे नाम की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से मैं 5 विनर्स अनाउंस करूंगा जिनके साथ हम प्रॉपर एक मीट एंड ग्रीट करेंगे, पूरा दिन साथ बिताएंगे एंड नई वाली गाड़ी में ड्राइव होगी। कल का टाइम शेड्यूल और स्ट्रेस, सबको अलग अलग जगह से लेना है, इसको अलग काम है, दीदी को एयरपोर्ट से लेना है, दादी को घर से लेना है, पापा को ऑफिस से लेना है, ना नई वाली गाड़ी में इतने लोग बैठ पाएंगे ना जाते टाइम इतने लोग बैठ पाएंगे। कल कैब से आएगी तो जिस मर्जी टाइम आए तू घर बैठ भाई, तेरे लिए गाड़ी ले आएगी। नींद आएगी आज रात को? नहीं यार, मैं तेरी जगह होता मैं शोरूम के बाहर जाके बैठ जाता यार। सुबह उनको बोलता कि मैं सफाई सफूई में मदद कर देता हूँ, गाड़ी जल्दी दे दो। 3 हफ्ते से मेरी पूरी फाइनल हो चुकी, वो तो 3 हफ्ते से बोले सर ले लो, मैं नहीं लेंगे तो जन्मदिन पे लेंगे, वो भी मैं 22 तक नहीं रुका, मैं सोचा 21 को लेके 22 को बर्थडे वाले दिन आप लोगों को अनवील करेंगे। सही बात है, वो तेरी पेशेंस को मान रहे होंगे, उनकी ज्यादा पेशेंस है भैया, 2 साल से टाइटल देख देख के थक गए, इस बार अब ले ही आओ। स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, अमृतसर से फ्लाइट चल चुकी है भाई, उनको भी लेने जाना है, अभी रात की फ्लाइट है उनकी। तो भाई अपना वर्कआउट वगैरह सारा हो चुका है एंड थोड़ी सी हम क्लिप्स इससे डालते हैं, आप लोग भी मोटिवेट हो जाओ। अपनी तो मोटिवेशन अभी 100+ पे चल रही है, अभी हम लोग जा रहे हैं जो विकास को भी नई गाड़ी दिखाने। आज तो इधर चला उधर चला वाली फीलिंग आ रही भाई, हम ऊपर गए, चेंज करा, प्रोटीन भरा बिकॉज प्रोटीन भी जरूरी है एंड अभी सरप्राइज को लेने जा भाई। जब जब इस पर नजर जाती है ना खतरनाक वाली फीलिंग आती है। जो भैया आ चुके हैं, इनको हम दिखाने वाले हैं अपनी नई गाड़ी का रैप। फॉर्च्यूनर भाई की फेवरेट है डिफेंडर के बाद एंड रैप हमारा फेवरेट है। भाई आज का दिमाग ही नहीं चल रहा, सबसे मैंने आधा मैं दीवार से बात कर रहा था, कुछ भी बोल रहा हूँ अभी भी। हाँ भाई मेरे ना प्री वर्कआउट पी रखा है इसने, मेरे को आधे जिम से बाहर बुला दिखा रहे हैं हम रैप। हाँ जी कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कलर ब्लैक है, डार्क ग्रे है भाई, एकदम डार्क कोयला कलर है, तो कोयले की खान से निकली हुई है। कल हमारी गाड़ी की डिलीवरी है, मैं सोचा था डिलीवरी से पहले ना कुछ नहीं हैवी खाऊंगा ताकि अगले दिन ना इसे पतला पतला लगे, बट भाई भूख लगी गई एंड अब ये खा रहे हैं। अदिति की फ्लाइट भी डिलेड है एंड यहाँ हम पिघल गए। दुबई की गाड़ी स्पॉटिंग हो गई हमारी यहाँ पे, बड़े दिनों से आई हुई है, मैं तब से देख रहा हूँ। हम लोग रात को भी जब घूम रहे होते भाई आवाजें कर रही हो भाई, आवाज सुनो कंदा। 12:13 हो चुके हैं, 11 बजे की लैंडिंग थी एंड सच्ची में अब दिमाग खराब हो गया। कल का दिन इतना ज्यादा लंबा है एंड आज मुझे लगा था कि मैं ब्लॉग एडिट करके टाइम से सो जाऊंगा। कल का दिन स्पेशल है तो फ्रेश उठेंगे, बट मैडम की भी हालत खराब हो रखी है, गुस्सा हो रही है मेरे से कि तुम लाइफ पे बैठे हुए हो। दीदी को पता ही नहीं हमारी नई गाड़ी का रैप हो चुका है तो मैं देखता अगर वो गाड़ी पहचान लेती है नंबर से या नहीं। ओ हेलो हेलो हेलो, इधर गाड़ी नहीं पहचानी। अच्छा कलर लग रहा है बहुत, इसको देख के मुझे थोड़ी सी मर्सिडीज की याद आ रही है, बहुत नाइस लग रहा है, बहुत गुड बॉय, गुड गुड बॉय, गुड बॉय। कल वाली गाड़ी भी अच्छी लगी। हैप्पी बर्थडे यार, गिफ्ट लाई है नहीं भाई? पता नहीं क्या क्या लाती रहती है, गिफ्ट तो नहीं लग रहा है कुछ और ही है। किताब लाई है, मैं पढ़ूंगा, किताब लेके आई है, मेक एपिक मनी, नेक्स्ट जी वैगन की भाई हुडी पहन के आई है हमारी नई वाली। मुझे इतना मजा आ रहा है ना, मैं तो पूरे दिन रात यही डाली हुई हूँ, आपने भी डाली हुई, बहुत अच्छा लगा। तो भाई अब समझ नहीं आ रहा कि मैं सोऊं या ना सोऊं, बिकॉज नींद तो आनी रही, एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा, डर भी काफी ज्यादा लग रहा है, बिकॉज बहुत ही बड़ा दिन है एंड हम करेंगे आज का व्लॉग एंड। थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, आप लोगों के कारण ही हो पाया। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग लाइफ एंड भाई अगला व्लॉग में धमाल होगी।